स्वच्छ भारत मिशन के तहत गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए अब कानपुर जिला प्रशासन पॉलिथीनों पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। मंदिरों के घाटों पर पूजा अर्चना वाले श्रद्धालुओं को अभिषेक करने के लिए दूध प्लास्टिक के बजाय स्टील के ग्लास में उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने गंगा को साफ और स्वच्छ रखने के लिए शपथ भी लोगों को दिलवाई। कानपुर के आनंदेश्वर घाट पर जिला प्रशासन और नगर आयुक्त ने गंगा को साफ और स्वच्छ रखने के लिए सफाई अभियान भी चलाया। आनंदेश्वर मंदिर में जिलाधिकारी और नगर आयुक्त ने चढ़ाए गए फूलों को उठाकर डस्टबिन में डाला। जिलाधिकारी ने बताया कि स्वच्छ गंगा दिवस के दूसरे चरण की सफाई अभियान को अंजाम दिया जा रहा है।